हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएस बायोविजन। आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, और ये डीएनए क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहता है, पैकेज्ड रहता है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो प्रोटीन्स अलग हो जाते हैं, यानी हिस्टोन और भी प्रोटीन्स रहते हैं, ये अलग हो जाते हैं। डीएनए का जो जीवन फेज है, जीवन फेज में ईच क्रोमोसोम का वन कॉपी हो जाता है, यहां टू कॉपी ऑफ जीनोम हो जाता है। तो जब ये डीएनए जीवन से एस फेज में जाता है, सिंस देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ जीनोम, then it is fully ensured that there should not be any breakage in the DNA, breakage or any error in DNA. तो किसी तरह का इसमें error नहीं होना चाहिए, because the same DNA will be replicated, and if there is error in the G1 phase in the DNA, that same mistake will be copied in and it will be transferred to the G2 phase. तो ये यहां भी ये हो जाएगा। तो यहां हमारे पास दो copy होता है DNA का, और यहां जाके फिर ये डिवाइड कर जाता है, यहां जाके ये जो डीएनए का दो कॉपी है वो अलग अलग क्रोमोसोम में पुनः चला जाता है, और दो सेल फाइनली साइटोकाइनेसिस में हो जाता है। प्रोकैरियोट्स में इस तरह का कुछ नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और एक ही साइट पर रिप्लिकेशन होता है, इसको हम मोनो रिप्लिकोनिक कहते हैं। एक ही साइट से बायडायरेक्शनल सिंथेसिस होता है, और यहां के टर्मिनस हो जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। और इसमें कोई सेल साइकिल नहीं होता है, नो सेल साइकिल नहीं होता है, क्योंकि बाइनरी फिशन के दौरान भी रिप्लिकेशन चलता रहता है। रिप्लिकेशन डीएनए सिंथेसिस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। केस ऑफ यूकैरियोट्स, ये रिप्लिकॉन जो होता है कई साइट्स पर होता है, तो इसीलिए मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, मल्टी रिप्लिकॉन। ये डीएनए है, लीनियर डीएनए है, जब इसमें मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है तो रिप्लिकेशन के दौरान जो रिप्लिकेशन बबल है वो कई जगह पर फॉर्म करता है, बबल या फिर आई भी करते हैं। हर रिप्लिकेशन बबल में दो रिप्लिकेशन फोर्क होते हैं, दोनों फोर्क अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, यानी कि रिप्लिकेशन फोर्क का जो माइग्रेशन होता है वो बायडायरेक्शनल होता है। देखते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है दोनों रिप्लिकेशन फोर्क, इस ये पॉइंट जो है ये मीटिंग पॉइंट है, यहां दोनों रिप्लिकेशन फोर्क मिल जाता है, और मिल जाने के बाद क्या होता है कि कंप्लीट कॉपी डीएनए का हमें मिलता है। तो यहां भी डुप्लीकेशन जो रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सिंथेसिस ये 5'3' होता है। नाउ कम टू द एक्चुअल इनिशिएशन प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस को हम तीन भाग में बांट सकते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। हम अपने इस वीडियो सीरीज में इनिशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनिशिएशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इनिशिएशन के लिए देयर इज ए वैरायटी ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन प्रोसेस। देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोटीन हियर। प्रोटीन्स सिंथेसिस कहां होता है? जीवन में, एस फेज में इसका यूज होता है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये होता है जीवन फेज में, यही प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का जब सिंथेसिस बनता है तो दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनता है एस फेज में। Once initiation complex is formed, DNA is bound to replicate. लेकिन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यानी कि PIC जब फॉर्म करता है तो हो सकता है कि DNA replication को halt किया जा सके। Halt, यहां DNA replication halt हो सकता है और वो S phase में नहीं जाएगा, लेकिन जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि S phase में बनता है तब तो replication is bound to take place. आगे हम देखते हैं कौन कौन सा प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में। मोर देन 20 प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स।
we can divide those proteins in two messages, ORC CDC6, CDT1, MCM227. These proteins bind with DNA template in G phase. ORC is the origin of replication complex CDC cell division cycle 6. CDT1 is 10 dependent transfer 1 protein. MCM227, this is hexamer. It is mini chromosome maintenance. This protein acts as helicase. These four proteins are responsible for forming a replication complex or pre-initiation complex. G1 phase mein, here we find this is the DNA duplex. Both the strands act as template during replication. Some specific point, AT rich region acts as origin of replication. Yeast ke case mein, is origin of replication ko ARS kehte hain, autonomously replicating sequence. Autonomously replicating sequence jo origin of replication ka kaam karta hai, to ARS ki sankhya jo hoti hai yeast mein lagbhag 5000 hoti hai. Autonomously replicating sequence यूकैरियोट्स में 2000 से 8000 तक रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस रहता है. यहां इस ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से जो पहला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, यही बाइंड करता है. और यही प्रोटीन और जो डिफरेंट प्रोटीन्स है रिस्पॉन्सिबल है रिप्लिकेशन के लिए उसको रिक्रूट करता है. तो ORS first binds with ORI origin of replication, then it recruits two proteins CDC6 and CDT1. दो प्रोटीन को रिक्रूट करता है. CDC6 and CDT1 is responsible for recruiting a protein called mini chromosome maintenance or helicase. This helicase now binds with this region of the DNA डुप्लेक्स. यहां बाइंड करता है, यहां देखिए CDC6 है और CDT1 है और यहां मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस यानी कि हेलिकेज बाइंड किया हुआ है. नाउ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इंटर्स इनटू एस फेज. अब ये सिंथेसिस ऑफ दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन G1 टू एस फेज. G1 फेज जो है ये रिवर्सिबल फेज है. इफ देयर इज एनी डैमेज और एरर इन दिस डीएनए देन द प्रोसेस गेट्स रिवर्स्ड और ये सारा प्रोटीन इससे डिसोसिएट कर जाता है. लेकिन जब सारा चीज परफेक्ट है तो CDK और DDK ये दो जो एंजाइम है इसको आगे ले जाता है एस फेज में, यानी कि रिप्लिकेशन आगे प्रोसीड करता है. CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ये CDC6 को फॉस्फोरिलेट कर देता है और DDK MCM227 को फॉस्फोरिलेट करता है, यानी कि एक CDC6 को फॉस्फेट ऐड करता है और दूसरा MCM227 में फॉस्फेट ऐड कर देता है. फॉस्फेट ऐड करने के बाद द एसोसिएशन ऑफ दीज प्रोटीन्स बिकम्स वीकर और ये अपना जगह छोड़ देता है. ये MCM gets activated. MCM तो एक्टिवेट कर जाता है लेकिन CDC6 रिमूव कर जाता है, हट जाता है और CDT1 भी इस जगह से हट जाता है, इनएक्टिव हो जाता है. CDT1 also becomes inactive. Pyrrolated MCM is now a active helicase. अब ये एक्टिव हेलिकेज हो गया है. अब ये अपना अनवाइंडिंग कराएगा डीएनए डुप्लेक्स का. अभी तक देखते हैं अनवाइंडिंग नहीं हुआ है. अब देखते हैं यहाँ अब क्या होता है कि जैसे ही ये MCM जो है दिस फैसिलिटेट्स बाइंडिंग ऑफ टू मोर प्रोटीन्स CDC45 and GIN. GIN इज ए कोफैक्टर. GIN इज ए कोफैक्टर. तो ये दोनों को बाइंड कराता है, और G1 फेज वाले सारे प्रोटीन डिसोसिएट कर जाते हैं इंक्लूडिंग ORS.
ORS is also get inactive, ORS inactive हो जाता है क्योंकि ORS अब ये इस प्रोसेस को ये दोबारा इनिशिएट नहीं कर सकता है। तो इस फेज में देखें कौन कौन सा एस फेज के जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन सा एंजाइम्स हैं, ये हैं आपके ये एंजाइम्स हैं CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, DDK DBF4 डिपेंडेंट काइनेज। CDK एंड DDK एस फेज में एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद CDC45 ये इंटरैक्ट्स विद MCM एंड पॉलीमरेज अल्फा, ये हेलिकेज और पॉलीमरेज अल्फा जो इनिशिएटर पॉलीमरेज है उसके साथ इंटरैक्ट करता है। गिन इज को फैक्टर फॉर इनिशिएशन, गिन को फैक्टर हेल्प्स इन फॉर्मिंग CMG कॉम्प्लेक्स। दिस इंक्लूड्स CDC45 MCM एंड गिन, तो ये तीनों मिलकर CMG कॉम्प्लेक्स बनता है। CMG कॉम्प्लेक्स जो है इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एस फेज में तीन फेज आता है, इनिशिएशन, लॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ये ऊपर G1 फेज में तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है यानी कि रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्चुअल इनिशिएशन एस फेज में होता है। तो एस फेज में जो इनिशिएशन होता है इस इनिशिएशन के लिए CMG कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत जरूरी है। CMG कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि DNA को अनवाइंड कराता है, वो CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, DDK DBF4 डिपेंडेंट काइनेज, CDK एंड DDK इज सिंथेसाइज्ड इन एस फेज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एस फेज एंट्री। CDC45 इंटरैक्ट्स विद MCM एंड पॉलीमरेज अल्फा, गिन इज ए को फैक्टर फॉर इनिशिएशन, CMG बनता है CDC45 प्लस MCM प्लस गिन। RFC रिप्लिकेशन फैक्टर C ये क्लैंप लोडर का काम करता है यानी कि ये DNA टेम्पलेट पर पॉलीमरेज अल्फा को लोड कराता है। रिप्लिकेशन फैक्टर ये रिप्लिकेशन प्रोटीन A, इट इज ए सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि DNA के दोनों स्ट्रैंड से बाइंड करता है और री एनिलिंग को रोकता है, प्रिवेंट री एनिलिंग। PCNA प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, इट होल्ड्स पॉलीमरेज लोडेड टू DNA, तो DNA पर पॉलीमरेज लोड हो चुका है उसको फर्मली होल्ड करके रखता है। DNA पॉलीमरेज डेल्टा एंड इप्सिलॉन, DNA पॉलीमरेज यूकैरियोट के केस में DNA पॉलीमरेज डेल्टा ये लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस कराता है। इप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड टू डिफरेंट पॉलीमरेजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग DNA ऑन टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स। पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज डेल्टा कैन ऑल्सो सिंथेसाइज ऑन लीडिंग स्ट्रैंड बट केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा कैन सिंथेसाइज DNA ऑन लीडिंग स्ट्रैंड बट देर आर टू डिफरेंट DNA पॉलीमरेज फॉर टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स। पॉलीमरेज बीटा ये जो है DNA पॉलीमरेज बीटा इट इज DNA रिपेयर एंजाइम। DNA पॉलीमरेज गामा इज माइटोकॉन्ड्रियल DNA रिप्लिकेशन एंजाइम, हेल्प्स इन माइटोकॉन्ड्रियल DNA रिप्लिकेशन। CMG कॉम्प्लेक्स को छोड़कर और सभी जो प्रोटीन्स हैं वो सारे हट जाते हैं एस फेज में। हम देखते हैं ये CDC45 गिन कोफैक्टर और MCM है। सबसे पहले जब DNA अनवाइंड हो जाता है हेलिकेज के द्वारा तो प्राइमर को ऐड करता है, ये RNA को ऐड करता है। DNA पॉलीमरेज अल्फा जो कि एक इनिशिएटर पॉलीमरेज है और इट एड्स ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ
short stretch of DNA on 3 prime end of RNA primer. तो primers को ये extend कर रहा है, extend कर रहा है और ये single cell binding protein है जो re-annealing को रोकता है. The work of alpha polymerase is taken over by delta polymerase and epsilon polymerase. तो lagging strand है इस पर delta polymerase और leading strand पर epsilon. ऐसा माना जाता है कि जो delta polymerase है it has ability to synthesize DNA on both the strands. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों पॉलीमरेज मिलकर, इसी को कहते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग. ये एक फीचर है यूकैरियोटिक डीएनए सिंथेसिस का. ये इस तरह का पॉलीमरेज स्विचिंग प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है. इन प्रोकैरियोट मेन पॉलीमरेज इज पॉलीमरेज 3 और वही पूरा लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड पर वही डीएनए को सिंथेसाइज करता है. डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, इट हैज नो प्रूफ रीडिंग एबिलिटी, यानी कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है ये करता है 5 prime 3 prime सिंथेसिस कराता है, लेकिन इसमें प्रूफ रीडिंग एबिलिटी नहीं होता है. यानी कि एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी 3 प्राइम से 5 प्राइम के तरफ ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी अल्फा पॉलीमरेज में नहीं होता है, लेकिन डेल्टा पॉलीमरेज और इप्सिलॉन इसमें प्रूफ रीडिंग एबिलिटी होता है. तो इस तरह से अब दिस इज द पार्ट ऑफ इनिशिएशन. अब इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इलोंगेशन और उसके बाद टर्मिनेशन. ओके, थैंक यू.